नहीं यार बारिश हो रही है, देख अच्छा, नहीं कुछ नहीं होता। वाटर प्रूफ का ही तो आगे हो आप भी मेरे चैनल पे। चलो आपको भी बता ही देता हूँ, वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं आपको पतंग बना के दिखाऊं पड़ी, लेकिन अब बारिश होना शुरू हो गई तो बनाने का तो कोई फायदा ही नहीं। आपका भी कोई छोटा भाई अगर आपको तंग कर रहा है कि मुझे काइट बना दो और बारिश बहुत ज्यादा तेज है तो आपको क्या करना चाहिए, आइए आपको आज मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सो आज का मेरा प्लान ये था कि मैं बनाऊंगा बड़ी काइट, बट बारिश और बच्चों की डिमांड की वजह से प्लान हो गया है कैंसिल, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी, उन्हें चाहिए पतंग जो कि वो खुद उड़ा सके। तो वैसे मैं आपको बताता चलूं कि मैं लेके आया था वहाँ के पीले, से मैंने निकल नहीं रहे हैं भाई, मैं आपको बता दूं इनको कटिंग करके मुझे बनाने थे बांस के तीले। बाहर से मैं पेपर लेके आया था, पेपर को कटिंग करके एक बिग साइज काइट का शेप देनी थी, उसके बाद उसको ग्लू से तीलों को जोड़ना था और फिर हमें पूरा एक बड़ी पतंग को तैयार करना था, बट वो प्लान अब कैंसिल हो गया ड्यू टू रेन। अब मैं आपको बताऊँगा कि वाटर प्रूफ काइट कैसे बना। तो भाई वाटर प्रूफ काइट बनाने के लिए हमें लगेंगे टोटल 4 स्टेप्स। स्टेप 1 इनेबल दी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं गाइड बनाने की वो भी मैं आपको पहले स्टेप में दिखाऊंगा। सेकंड स्टेप हमारा होता है क्या होता है भाई, शीट। सेकंड स्टेप हमारा होता है जोड़ना, थर्ड स्टेप हमारा होता है बांधना और फोर्थ स्टेप होता है उड़ाना। ये देख फिर ये ले। वही चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये है हमारी पहली रिक्वायरमेंट्स, बच्चों के लिए यही चलेगा यार, बुरा ना समझना, ऐसे ही है। तो ये यार रैपर होता है, शापर जिसे कहते हैं, मोमी कागज़ भी कहते हैं, ये मिलेगा आपको शॉप पे किसी कोई भी शॉप पे, आम करियाने की वहाँ पे पोप्स वाला जो बड़ा शॉपर होता है ना, आपने से वो ले लेना है या फिर कोई भी बड़ा शॉपिंग बैग टाइप ले लेना है। सेकेंड चीज़ है हमारी धागा, थर्ड वन झाड़ू के तीले, चोरी निकालना मम्मी मारती है। ओ एक चीज तो रह गई, ये है हमारी स्कॉच टेप, ओह वैसे इसे टेप कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारी रिक्वायरमेंट्स वाला फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा होगा इसकी कटाई। तो यार हमारा सेकंड स्टेप है इसकी कटाई। बबलू बिच्ची हो पहले दिखाओ कैसे रखा है आपने, बिल्कुल। चलो अब काटो जरा, धागा रखा उसने शापर के नीचे और उसकी कटाई देखो कैसे कर रहा है। यार कोई और कैमरामैन नहीं था इसलिए मैं इससे कटाई करवा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। सो यार हमने दोनों साइड से कटिंग कर ली ऐसे, ये देख रहे हैं देख रहे हैं। तो यार हमने एक साइड से मतलब काट के इसको खोल लिया है रैपर को, इस मोमी कागज को। नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्त? अच्छा गुड्डा। गुड्डा अब हमने इसकी शेप देनी है, अब शेप ये होगी, इब्राहिम पीछे शेप दिखाना, शेप होगी इसकी ये शेप। अगर आप लॉन्ग टाइप बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टाइप भी बना सकते हैं। तो यार आपको सेकंड स्टेप की समझ आ तो रही है ना, तो मैं तुम्हें बता दूं यार ये देखो आप पूरी शेप देने लगे हैं इसको। हां जी गाइस तो ये हमारे यहां पर एंड हो गया, अभी तक कहां एंड हो गया यार। तो यार आज मेरे पास ना और कोई काम नहीं आया था, मैं यही सोच रहा था यूनिवर्सिटी से छुट्टी है, बोर हो रहा हूँ तो क्या करूँ। मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, बच्चों के साथ ना शुगर मेला लगा लेते हैं, गुड्डी वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, YouTube प्ले बटन डायमंड की डिमांड आ गई है, तो आपने जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन वाला बटन है ना उसको दबा देना, सब्सक्राइब जल्दी से कर दें आप। उभरते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। तो अब भाई नपाई कर रहे हैं, चलो भाई जोड़ के दिखाओ जरा, कर दो तीनों को इसमें लिया इसमें और टेप के साथ। लाइक को आप लोग ठोक दो, लाइक को ठोक दो, हां जी, और यहाँ पे आपको मेन बात बताता चलूं, मुझे बच्चे ने बचा लिया, कहता है कि तो ये तीले ना
बॉडी दिखाएंगे। ये जो तीले हैं ना, इनको एकदम लेवल होना चाहिए इन दोनों तीलों का, मतलब ये भी इतना ही मोटा, ये भी इतना ही मोटा, फिर ही गुड्डी सीधी ऊपर जा सकेगी। बेचते नहीं होते बेटा। आप देख रहे हो हमने गोल तीला लगा लिया था, उसके बाद अब हमें लगाना है सेंटर वाला सीधा तीला। सीधा तीला लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि आपका ये तीला थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल फिट बैठ सके, इधर उधर ना हिले। उसके अलावा अगर इसकी जगह पे हमारा पेपर वाला गुड्डा होता, जो कि हमारा आज का प्लान था बट वो नहीं हो सका, उसकी जगह होता तो यहाँ होना था पेपर, उसके अलावा हमारे पास होनी थी ग्लू, और इन तीलों झाड़ू के तीलों के बजाय हमारे पास होने थे ये बांस के तीले। इसमें से कटाई करनी थी बांस के तीलों की, और फिर हम यहाँ बैठ के उस पर कारीगरी कर रहे थे, चूंकि अब वो नहीं है तो मतलब नहीं है, तो हम ये उड़ाएंगे तो ये उड़ाएंगे। तो अभी आप देख रहे हो कितना फिट बैठ रहा है सेंटर वाला तीला। अब यहाँ पर रख के इसको तोड़ दिया और यहाँ लगा दी टेप। लो भाई साहब, हो गया काम मरा। अब इसको आखिरी स्टेप ये है कि इसकी हमने डालनी है तलावें। तलावें कहते हैं जिसके यहाँ पे जोड़ डलते हैं, किस जगह पे, यहाँ और एक इस जगह पे। लो भाई, ये तो हो गया रेडी। अब बस काम बचा है इसको उड़ाने वाला। उड़ा के भी दिखाएं, इसका टेस्ट कर लेते हैं। बबलू रेडी हो? और उसके बाद इसकी डोर डालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही कोई मसला है। इधर तीला लिया, तीले से इसको सुराख किया, एक इस तरफ नीचे को, दो नीचे को, ये इस तरह। और उसके बाद इसमें डाल दिया धागा। देखो आप धागा डाल ही रहा है। तो लो भाई, हमने धागा भी डाल दिया और गिरा भी बांध दी दोनों साइड पे। ये लो, ये हो गई गिरा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसका वज़न रखना, मतलब कि पीछे वाली साइड तलावों की ज़्यादातर लोग बड़ी रखते हैं, आगे वाली छोटी रखते हैं, लेकिन हम रखेंगे बराबर, क्योंकि हवा तेज़ हो तो अक्सर पीछे वाली छोटी रखी जाती है। ये भी एक स्किल होती है, किसी किसी के पास होती है, हम ज़्यादा लोगों को, जैसा कि हमने आगे वाली साइड छोटी रखी, पीछे वाली लंबी रखी है। चूँकि अब हम करने वाले हैं इसका टेस्ट, चूँकि हमारे पास रूला नहीं है तो हम नलकी से काम चला लेंगे। ये देखो उड़ने लगी है, उड़ने लगी है। आज तो शशके होने वाले, शशके दिखा मैं उड़ाता हूँ बे। शशके गिर गई मेरे से, गिर गई पकड़। हमारी गुड्डी तैयार हो चुकी है, अब हम दे रहे हैं टेस्ट। चेक करो, बिल्कुल सीधी जा रही है, सीधी। उड़ जा बबू, उधर भी मारा YouTube। लो भाई, अब आपका बच्चा आपको परेशान नहीं करेगा, आपका छोटा भाई ये नहीं कहेगा भाई मुझे पतंग उड़ानी है, उसको ऐसी बना के दे दो, उड़ाते ही रहेगा। भाई गुड्डी दे दो, मैंने उड़ानी है भाई। लो भाई, शशके हैं शशके, हमारे बच्चों को भी गुड़ियां उड़ानी आती हैं माशाल्लाह। गाइस अभी मैं गुड्डी नहीं बना सकता, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा गुड्डी आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरा भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी नहीं जा रहा आपका। गुड्डी बनानी है आपने, सीख ली है वैसे, क्या कर दो भाई, आप ठोक दो मतलब इसको नहीं, लाइक को।